तो एस्ट्रेगोरिदम में हमें एक एडिशनल टूल मिल जाता है जो हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यह है कि हर प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में, अपनी जगह से कुछ डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में पॉजिटिव रे ऑफ इन्फ्लुएंस भेजता है अपनी जगह से, और ना कि अपनी जगह से बल्कि और प्लैनेट की को भी फोर्स करता है को पॉजिटिव रे ऑफ इन्फ्लुएंस भेजने के लिए टू डिफरेंट हाउसेस। तो इसमें हम लोग जितने भी जो 7 प्लैनेट होते हैं और एक असेंडेंट भी, कि प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से प्लैनेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजेगा इन डिफरेंट हाउसेस, और ना ही अपने आप भेजेगा बल्कि दूसरे प्लैनेट भी उस प्लैनेट की वजह से अलग अलग हाउसेस में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजते हैं, जिसको कि हम जो है वो कुछ जगह बिंदु कहते हैं, कुछ रेखा कहते हैं। तो वी काउंट द टोटल इन्फ्लुएंसेस सेंट बाय ईच प्लैनेट इन द डिफरेंट हाउसेस। कि अगर हम उसको जस्ट टेल यू विद द ये आप टेबल देख रहे हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए सन है, सन का हम अष्टकोण का कंसीडर कर रहे हैं, तो सन जहां भी प्लेस्ड होगा उसकी वजह से सैटर्न जहां प्लेस्ड है वो अपने से ये जो पोजीशन है 1 2 4 7 8 9 10 11 पोजीशन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजेगा। इसी तरह से जुपिटर भेजेगा 6 8 9 11 पोजीशन पर, इसी तरह से मार्स भेजेगा इन पोजीशंस पर, सन अपने आप 1 2 4 7 8 11 पोजीशन पर भेजेगा, वीनस इन पोजीशन पर भेजेगा, मरकरी इन पोजीशन के ऊपर भेजेगा, मून इन पोजीशन के ऊपर भेजेगा, और लग्न जो है वो इन पोजीशन के ऊपर भेजेगा। तो ये हम अगर हम सन का अष्टक वर्ग का काउंट करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड है वो अपनी जगह से इन इन पोजीशन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजेगा। तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि हर हाउस के ऊपर कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है, हर हाउस के ऊपर कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो हमने सन का अष्टक वर्ग बनाया इन इन पोजीशन से, ऐसे ही मून का अष्टक वर्ग बनाया, तो मून के अष्टक वर्ग में पता लग जाएगा कि हर हाउस में मून के अष्टक वर्ग में कितना कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से हम हर 7 प्लैनेट का हम जो है ये अष्टक वर्ग बना लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अष्टक वर्ग सिस्टम में हमने राशि को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज 3 degree 45 minutes। और इन जो राशियों के लॉर्ड होते हैं, जैसे पहला जो पोर्शन है फर्स्ट 1/8 पार्ट, उसका लॉर्ड सैटर्न है, सेकंड 1/8 पार्ट है उसका लॉर्ड जुपिटर है, इसका 3rd है उसका लॉर्ड मार्स है। ये हमें प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा कि जब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ये प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर प्लैनेट अपनी पोजीशन से और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में भेजता है। तो हम हर प्लैनेट का एक अष्टक वर्ग बना लेते हैं, और जब इन सारे प्लैनेट का अष्टक वर्ग बन जाता है तो उसको हम कंबाइंड कर देते हैं कि हर हाउस में सन की वजह से इतने पॉइंट है, मून की वजह से इतने हैं, मार्स की वजह से इतने पॉइंट है, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि उसको हम टोटल अष्टक वर्ग या उसको हम सर्वाष्टक अष्टक वर्ग बोलते हैं, वो चार्ट हमें बन जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 चार्ट बनाते हैं, एक तो इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट होता है उसको हम भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, और एक उसको हम सब कंबाइंड कर देते हैं तो टोटल अष्टक वर्ग या चार्ट हमें मिल जाता है। जैसे आप देखते भी हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें
ये अगर आप देखें तो इसमें ये भिन्नाष्टक वर्ग का है, मून है तो मून का हमने बनाया, तो इसमें ये जो रेड इंक से लिखा हुआ है ये पॉइंट्स हैं, या हम कहेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जैसे 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, इस तरह से जो है मून के अष्टक वर्ग में डिफरेंट प्लैनेट से और अपने पोजीशन से जो टोटल इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव वो इतना इतना है। लग्न के ऊपर जैसे 4 है, 12th हाउस के ऊपर 3 है, 11th हाउस के ऊपर 5 है, 10th हाउस के ऊपर 5 है, इस तरह से पांच पांच रेखा या बिंदु हम बोलते हैं बिंदु है इसलिए जो है। ऐसे ही जुपिटर का अष्टक वर्ग है उसमें सारे पॉइंट्स आगे हमने इंडिविजुअल प्लैनेट का बनाया और इन सबको हमने ऐड कर दिया। जैसे कि ये लग्न में 4 मून में है, 4 इसमें है, 4 5 इसमें है, 7 इसमें है, 4 इसमें, सबको ऐड करके हमने सर्वाष्टक वर्ग बना लिया, 37 पॉइंट्स आ गए। तो ये इसको हम कहते हैं टोटल अष्टक वर्ग का चार्ट या सर्वाष्टक वर्ग का। तो हर हाउसेस में हमको ये पॉइंट्स पता लग गए, 37, 24, 24, 24, इस तरह से जो है पॉइंट्स पता लग गए। अब इनका हम यूज कैसे करेंगे, मेन चीज वो है। तो इसका हम अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं इस अष्टक वर्ग चार्ट का। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो इस्तेमाल है, पहला है कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट एंड हाउसेस। अभी जब हम लोगों ने षटबल निकाला था या प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकाली थी या हाउसेस की स्ट्रेंथ निकाली थी, तो हमने देखा था कि बहुत ही एक कॉम्बर्सम प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत सारी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन इस सिस्टम में बहुत आसानी से सिर्फ हम अष्टक वर्ग का चार्ट बनाकर हर प्लैनेट की और हर हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है वो मालूम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, जैसे कि अगर हम ये हमने मून का अष्टक वर्ग का बनाया, मून का अष्टक वर्ग बनाया और ये 8 है अष्टक वर्ग का चार्ट। इसका मतलब जो इंडिविजुअल अष्टक वर्ग में 8 पॉइंट हो सकते हैं, हमने 7 प्लैनेट कंसिडर किए और एक लग्न कंसिडर किया, तो किसी भी हाउस में जो भिन्नाष्टक वर्ग में 8 पॉइंट हो सकते हैं, 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। और 4 को हम एवरेज मानते हैं, अगर 4 पॉइंट है इसका मतलब एवरेज है और 4 से ज्यादा है जितने भी, उतना ही प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें मून की स्ट्रेंथ देखनी है इस हॉरोस्कोप पे कितनी है, तो मून जहां भी प्लेस्ड है, मून इस हाउस में प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में लग्न में, और मून के अष्टक वर्ग का चार्ट में हम लग्न में देखें कितने पॉइंट्स है, जहां भी मून का प्लेसमेंट है वहां पर मून के अष्टक वर्ग का चार्ट में कितने पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट का मतलब है कि मून की जो स्ट्रेंथ है इस अष्टक वर्ग के चार्ट में वो नॉर्मल है, मतलब ना वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, एक एवरेज जो है उसकी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए सन की स्ट्रेंथ देखनी है हमें, सन ये 3rd हाउस में है, तो हमने सन का अष्टक वर्ग का चार्ट देखा, सन का अष्टक वर्ग का चार्ट ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3rd हाउस में कितने पॉइंट है, 3, 3, 3 पॉइंट्स है। तो इसका मतलब सन जो है वो थोड़ा वीक है यहाँ पर, कि एवरेज से भी थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो हम कहेंगे कि सन जो है यहाँ पर थोड़ा वीक प्लैनेट है। मंगल को देखना है, मान लीजिए मंगल 4th हाउस में है, तो हमने मंगल का अष्टक वर्ग का चार्ट देखा यहाँ पर, और मंगल के अष्टक वर्ग का चार्ट में कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जहाँ मंगल प्लेस्ड है 2 ही पॉइंट्स हैं, इसका हम कहेंगे कि मंगल जो है वो वीक प्लैनेट है इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। जो सैटर्न देखना है, मान लीजिए कि सैटर्न 1st हाउस में है, सैटर्न जो है 1st हाउस में है, तो हमने शनि का अष्टक वर्ग का देखा और शनि के अष्टक वर्ग में आपने देखा कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स, शनि के अष्टक वर्ग में 6 पॉइंट है, तो इसका मतलब शनि जो है इस हॉरोस्कोप में काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और बाकी प्लैनेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हमने देखे अभी जो है। तो अगर जहां भी वो प्लैनेट प्लेस्ड है उसी का हम स्ट्रेंथ देखने के लिए उसका अष्टक वर्ग देखते हैं,
और जहां भी प्लैनेट प्लेस्ड है उस हाउस में कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो उससे हमें एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ का एक रफ आइडिया लग जाता है कि प्लैनेट कितना स्ट्रांग है एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। और जैसे आप देखें भी, अगर लेट मी शो यू, जैसे मान लीजिए कि ये हॉरोस्कोप है, तो मून को आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मून हियर? एक्चुअली वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है पोजीशन मून की? वीक है क्योंकि क्यों? राहु का एसोसिएशन है, केतु का भी एसोसिएशन है और हाँ, मून के साथ राहु का एसोसिएशन है, तो आप कहेंगे वैसे भी एनिमी साइन में प्लेस्ड है, शनि इसका एनिमी है और राहु के साथ इसका प्लेसमेंट है। और दूसरा यह है कि जब आप कहते हो ना कि राहु के साथ है, तो हमेशा देख लो कि मून और राहु में डिस्टेंस कितना है। सीधा सिर्फ इसको देखकर हम कुछ नहीं कह सकते, अनलेस एंड अंटिल वी बिल्कुल सी कि दोनों में डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि मून और राहु में डिस्टेंस कितना है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कितना डिस्टेंस है? मून 27 है, मून 27 है, और राहु कितना है? 7 2। बहुत सॉरी डिफरेंट 2.5 तो डिफरेंस इज ऑफ 25 डिग्री। डिफरेंस इज ऑफ 25 डिग्री। 25 डिग्री जस्ट लाइक बीइंग इन अनदर हाउस। तो यस 25 डिग्री पे कोई राहु का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा मून के ऊपर, जो है कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी हम कोई भी युति देखते हैं, कंजंक्शन देखते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस जरूर देख लेना चाहिए कि उसका वाकई में इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मून के ऊपर राहु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। पर शनि का तो है सर, कैसे? हाँ, वो 11th उसमें बैठा हुआ राशि शनि की राशि में बैठा हुआ है। हाँ, में। हाँ और शनि एनिमी साइन है, हम ये कहेंगे कि शनि एनिमी राशि में बैठा हुआ है। जी और हम प्लैनेट को कैसे देखते हैं? एक तो ट्रिक में प्लैनेट किस हाउस में है, और दूसरा उसका जो डिस्पोजिटर है या जो साइन लॉर्ड है उसकी क्या पोजीशन है। ये दोनों चीजें हम देखते हैं जब पता लगता है कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। तो एनीवे, यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट या प्राइम फेस ऐसा लगता है कि मून जो है बहुत वीक प्लैनेट है, यहाँ पर जो है ऐसे लगता है। लेकिन अगर हम जब अष्टक वर्ग देखते हैं, तो ये मून का अष्टक वर्ग है ये वाला, जी और मून 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो 6th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? 11 में सॉरी एट 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 पॉइंट्स एट पॉइंट्स हैं। एंड आई टोल्ड यू द एट कैन बी द मैक्सिमम पॉइंट्स, एट कैन बी द मैक्सिमम पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस हाउस। मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, जो कि हमें देखने से बहुत वीक लग रहा था, बट मून इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। तो क्योंकि उसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 8 पॉइंट्स आ रहे हैं, और मे बी बिकॉज कि इसका जो साइन, पहले तो राहु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, और दूसरा इसका जो साइन डिस्पोजिटर है सैटर्न, दैट इज वेरी वेल प्लेस्ड। पहली चीज तो 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में जाना इस राजयोग, फिर सैटर्न इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, वो भी एक राजयोग है, और सैटर्न इज एसोसिएटेड विद ऑल थ्री बेनिफिक प्लैनेट्स। सैटर्न इज एसोसिएटेड विद ऑल द थ्री बेनिफिक प्लैनेट, तो मे बी दैट रीजन। बट इससे हमने देखा कि जो
मून है जिसको हम वीक समझ रहे हैं, जस्ट हमने सिर्फ चार्ट को देखकर ये पता लगा लिया कि मून इज नॉट ए वीक प्लैनेट, मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस एक्चुअली। तो एक एक एस्टिमेट या एक आइडिया कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है इतनी आसानी से बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, जबकि हमने शेड्यूल में देखा था कि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालने में, पर यहाँ पर इतनी आसानी से आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ का आइडिया मिल गया। इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर जस्ट हैविंग एन असेसमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। सर यहाँ पर अगर हम इसका शेड्यूल देखें सर, शेड्यूल देखिए, कितना है शेड्यूल 6.6 है, तो शेड्यूल भी काफी है, कम नहीं है, शेड्यूल भी काफी है, 6.6 है एक्चुअली में। और यहाँ अष्टकवर का बता रहा है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, इट्स नॉट ए वीक प्लैनेट एक्चुअली, जो कि ये भी कंफर्म कर रहा है, ये भी बता रहा है कि एवरेज से ज्यादा ही स्ट्रेंथ है इसकी, जो है एवरेज नहीं मतलब जो 6.6 है, 6 वो तो मिनिमम मानते हैं कि ज्यादा जितना मून स्ट्रांग होगा उतना अच्छा, इसलिए 6 लिखा है यहाँ पर, बट 6.6 इज ए गुड स्ट्रेंथ एक्चुअली, क्योंकि आप बाकी प्लैनेट का भी देखिए 6.6 है, 6 है, 6.9 है, 6.7 है, 5.2 है, 6.2 है, तो इन सब प्लैनेट्स में भी जो है मून काफी स्ट्रांग प्लैनेट है। और दूसरा ये कि जब हम कहा हमने भाव बल या हाउस की स्ट्रेंथ, तो जब हम ये सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं, ये वाला जिसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग, तो इससे आप देखते हैं कि हर हाउस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर हाउस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 28, 20, 38, 34, 35, 27, 38, 28, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये पॉइंट्स बताते हैं कि हमारा जो हर हाउस है वो कितना स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस या भाव बल बताते हैं। उसके लिए भी ये कहा कि जो 25 को एवरेज माना, 25 को एवरेज माना कि अगर 25 पॉइंट्स हैं तो हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, 25 से 30 है तो स्ट्रांग है, और अगर 30 से ज्यादा है तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग हाउस है, और अगर 25 से कम पॉइंट्स होते हैं तो जो हाउस है वो वीक होता है, उसका भाव बल जो है वो कम होता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा हर हाउस उतना ही स्ट्रांग हो, जैसे कुछ त्रिक हाउस है हम नहीं चाहते बहुत हमारे स्ट्रांग हो, या कुछ ऐसे हाउस हैं भोग स्थान हैं या हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स हैं, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो हम देखेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ हम ये पॉइंट्स देखकर सर्वाष्टक वर्ग के हमें हर हाउस की एक स्ट्रेंथ का असेसमेंट हो जाता है, बहुत एक यूजफुल चीज है, बहुत एक यूजफुल चीज है। जैसे कि मान लीजिए कि सिक्स हाउस में यहाँ कितने 38 पॉइंट्स हैं, सिक्स हाउस में 38 पॉइंट्स हैं, क्या मतलब हुआ इसका, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसमें, सिक्स हाउस इज वेरी स्ट्रांग। और आगे आप देखेंगे जब हम ये डिस्कस करेंगे सर्वाष्टक वर्ग को, सिक्स हाउस वी वांटेड टू बी स्ट्रांग, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा कर्म का भाग स्थान है, तो हम कर्म के भाग स्थान को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ रही, क्योंकि चटागढ़ जो है हमारा त्रिक हाउस है, अपोनेंट्स का हाउस है, जितना ही हम इसको स्ट्रांग करेंगे उतने ही हमारे अपोनेंट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम प्रोफेशन के लिए कुछ कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम आएंगी हम फेस कर लेंगे, बट एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ हमारी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे ही मैंने कहा कि हर हाउस में हमें देखना पड़ता है कि हम उसको कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जैसे 12th हाउस है तो वी डोंट वांट इट टू बी स्ट्रांगर एक्चुअली, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही नुकसान करेगा, 8th हाउस भी है हम नहीं चाहते बहुत स्ट्रांग हो, बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हाउस है, तो इसको भी हम कुछ हद तक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बट जितना हम इनको स्ट्रांग बनाएंगे उतनी ही हमें प्रॉब्लम भी लाइफ में बढ़ जाएंगी।
कहने का मतलब है कि सबसे जो हम इसका सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट एंड आल्सो टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस, ग्रह बल और भाव बल बहुत आसानी से सिर्फ हम ये चार्ट बनाकर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो और भी ज्यादा जो इसका यूजफुल जो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है टू नो द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट, गोचर के रिजल्ट्स। अब गोचर के रिजल्ट्स भी जब हमने पढ़े थे तो वी सॉ कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड द सिस्टम इज, कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं तब हमें एक प्लैनेट के गोचर के रिजल्ट मिलते हैं और वो भी पता नहीं चलता है कि कितना हद तक ठीक है या नहीं है। और बहुत एक प्रॉब्लम होती है किसी को भी गोचर के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने में, बट इस सिस्टम में इतनी आसानी से हम हर प्लैनेट के और डे टू डे बेसिस पर हम गोचर के रिजल्ट्स या ट्रांजिट के रिजल्ट्स जो है बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मून है, हमें देखना है कि मून के जो गोचर के रिजल्ट इस हॉरोस्कोप में कैसे होंगे। और मून हम जानते हैं कि एक राशि में कितने दिन रहता है, मून एक राशि है जी, सवा दो दिन, एक राशि में सवा दो दिन रहता है। तो एटलीस्ट सवा दो दिन के लिए हम मून के रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं कि जिस जिस राशि में जितने पॉइंट्स हैं, जैसे मून का हमने गोचर देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा मून का अष्टक वर्गा हमें देखना है और मून के अष्टक वर्गा में हर राशि में कितने कितने पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तीन नंबर राशि है यहाँ पर टेंथ हाउस में, तो तीन नंबर राशि में मान लीजिए तीन पॉइंट्स हैं, या इसमें आठ पॉइंट्स हैं, इसमें चार पॉइंट्स हैं, इसमें जीरो है, या इसमें पांच है, इसमें सात है, इसमें चार है, आठ है, इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो जब मून गोचर करेगा इन राशियों में, जब भी मून इन राशियों में ट्रांजिट करेगा, जैसे तीन नंबर में ट्रांजिट करेगा तो रिजल्ट्स जो है तीन पॉइंट्स हैं, तो रिजल्ट्स विल नॉट बी गुड, एक्चुअली रिजल्ट्स विल बी बिलो द एवरेज। बट जैसे ही इस राशि में ट्रांजिट किया आठ पॉइंट्स हैं, इसका मतलब जो दो सवा दो दिन होंगे जब तक चंद्रमा इस राशि में रहेगा आपके रिजल्ट मून के गोचर के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, या जब इस राशि में ट्रांजिट करेगा तो मून के गोचर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, इस राशि में ट्रांजिट करेगा उस टाइम आप बहुत परेशान रहेंगे क्योंकि मून के जो गोचर के रिजल्ट हैं लग्न में वो तो खराब रहेंगे, आप अननेसेसरीली मेंटल टेंशन में या डिप्रेसिव स्टेट में रहेंगे। लेकिन जब इन राशियों में जहां जहां आठ आठ पॉइंट्स हैं, सात पॉइंट्स हैं, वहां जब ट्रांजिट करेगा तो यू आर इन ए परफेक्ट मेंटल स्टेट एक्चुअली। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी कोई अच्छा काम करना है तो उस पीरियड में आप कर सकते हो। और आपको ये पता लग गया कि मून जो है हर राशि में सवा दो दिन जब ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, तो कोई भी शुभ काम करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का, तो इस टाइम लीजिए जब जहां पर जो मून के अष्टक वर्गा में सबसे ज्यादा पॉइंट है, मून जब वहां गोचर करेगा तब तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के रिजल्ट आपको मिलेगा। सन है, सन का मान लीजिए कि अष्टक वर्गा चार्ट ये है, तो सन एक राशि में एक महीना रहता है, तो हम मंथली देख सकते हैं कि सन का जब गोचर होगा इन इन राशियों में तो हमें किस टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर चार पॉइंट है तो एवरेज है, चार से ज्यादा है तो बेटर है, और चार से जितने ज्यादा है उतना ही अच्छा भी है। और आप देखते भी हैं कि हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन भी होता है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे लिए साल का ये महीना बहुत अच्छा नहीं होता, या साल का ये महीना बहुत अच्छा होता है, हर बार ऐसे ही होता है। वो सन के ट्रांजिट के बेसिस पर, सन के जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, सन वहां जब गोचर करेगा वो जो सोलर मंथ होगा वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और सन जब उन राशियों में गोचर करेगा जहां पर कि उसके अष्टक वर्गा में पॉइंट्स कम है तो उसके रिजल्ट आपको ठीक नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको ठीक नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरह से हम मंथली गोचर की पोजिशन, इसमें मैक्सिमम पॉइंट यहाँ ये है छह पॉइंट्स है, और छह पॉइंट ये नौ नंबर राशि है, तो नौ नंबर राशि में जो सन गोचर करता है वो कब करेगा, नौ नंबर राशि में
15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, 15 इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए 9 में, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो ये महीना सबसे अच्छा होगा, ये वाला महीना जो है वो सबसे अच्छा होगा, और जिसमें सबसे कम पॉइंट्स होंगे वो महीना बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर 4, 4, 4, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, तो बट आउट ऑफ दैट ये वाला महीना इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। या कभी कभी किसी में आप 0 पॉइंट में देखेंगे तो नेचुरली वो जो सोलर मंथ होगा वो उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इवन जैसे मान लीजिए जुपिटर के हमें देखने की ट्रांजिट के रिजल्ट कैसे होंगे इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए, तो हम जुपिटर का अष्टक वर्ग देख सकते हैं। ये है जुपिटर का अष्टक वर्ग, और आजकल जो जुपिटर है किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है? कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस में यहाँ पर अभी 20 नवंबर को दोबारा से इस राशि में आया, और यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। यस सर। तो इसका मतलब इस राशि में ट्रांजिट अच्छा है, और जब अप्रैल में 12 नंबर राशि में जाएगा तो उसमें आप देखिए 3 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो गोचर है जुपिटर का ये अप्रैल के बाद जो है एक साल के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो सिर्फ शनि का है, शनि आजकल यहाँ चल रहा है 10 नंबर राशि में, और सैटर्न के अष्टक वर्ग में आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं। ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो शनि का खराब हो रहा है, लेकिन जैसे ही शनि यहाँ पर जाएगा कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। एकदम से जो शनि का गोचर होगा बहुत अच्छा होगा इसके लिए। तो हर प्लैनेट का हम गोचर डे टू डे बेसिस पर या हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है। अच्छा सर, जैसे एक चीज पूछता हूँ आपसे। हेलो। हाँ बोलो बोलो। जैसे आपने कहा शनि का गोचर तो अच्छा है 7 पॉइंट है, लेकिन बृहस्पति का गोचर 3 पॉइंट से अच्छा नहीं है, तो कुल मिला के फिर हम क्या सोचेंगे? देखिए हम सारे प्लैनेट का ट्रांजिट है, अब किसकी दशा चल रही है किसकी दशा नहीं चल रही है, और जब अलग अलग प्लैनेट का गोचर अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, तो हर प्लैनेट कुछ ना कुछ हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में हमारा बहुत अच्छा है, कुछ लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बहुत खराब है। जैसे मान लीजिए कि शनि यहाँ पर है, शनि किन किन हाउसेस का लॉर्ड है? शनि जो है किन किन हाउसेस का लॉर्ड है? 5th हाउस का और 6th हाउस का। यस सर। तो ये दोनों हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? संतान का है। हाँ संतान को छोड़ दो, मतलब वैसे क्या और क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है सर। हाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशन, और ये भी प्रोफेशन का भाग गया, और यहाँ आप देख रहे हैं सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा है, तो नेचुरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया। जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ खराब है? तो जुपिटर इन इन हाउसेस का लॉर्ड है, तो इन हाउसेस में जुपिटर का जो गोचर है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नेचुरली जो है। तो हर जो गोचर होगा हमें ये देखना पड़ेगा कि गोचर किन हाउसेस से, वो प्लैनेट जो है वो किन हाउसेस से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको बहुत अच्छा मिलता है, हमेशा एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा मिलेगा, एक एस्पेक्ट में डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट खराब भी मिल सकता है। आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, हेल्थ खराब हो सकती है, मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें हर प्लैनेट का किन किन हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम कह सकते हैं कि हमें उसके रिजल्ट हमें इंडिविजुअल प्लैनेट के कैसे मिलेंगे, इस तरह से मतलब इसका। ठीक, तो सर कौन सा प्लेनेट गोचर कर रहा है, वो किस किस समय क्या चेंज कर रहा है, ये हमें नहीं पता है? नहीं ये तो आपको पंचांग है ना। हाँ पंचांग हाँ, आपके पास होना चाहिए, वो तो बेसिक हाँ, टूल है एक वो है। हाँ तो पंचांग में आप डेली सुबह जब उठते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले पंचांग देखना चाहिए कि आज की डेट में कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है, किस किस राशि में है।
वो सबसे पहला कर्तव्य एस्ट्रोलॉजर का वही है कि वो उसके लिए एक बेसिक टूल है, जैसे हर आदमी के लिए, हर प्रोफेशन के लिए एक बेसिक टूल होता है। तो आज कौन सा डेट है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, और खास तौर से कि हर प्लैनेट जो है वो किस किस राशि में है और कब कब चेंज होगा। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि आज जैसे शनि है, शनि 10 नंबर राशि में चल रहा है, पंचांग आपने देखा कि शनि जो है 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेगा, 11 नंबर में जाएगा। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है तो फिर 2.5 साल तक उसी राशि में रहेगा। जुपिटर का देखा आपने, रेट्रोग्रेड चल रहा था, रेट्रोग्रेड होके फिर 20 नवंबर को वापस आया अपने 11 नंबर राशि में। अब ये करीब शायद अप्रैल में, मिड अप्रैल में चेंज करेगा साइन, 12 नंबर में जाएगा। तो ये एक आपको आइडिया होना ही होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट इस समय कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, सन कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। मंगल है आजकल जो मंगल केतु का एक कंजंक्शन हो रहा है ट्रांजिट में, जिसकी वजह से रिजल्ट भी खराब मिल रहे हैं। तो ये सब जब पंचांग आप देखोगे जब भी आपको पता लगेगा पंचांग में ये सब मिलेगा। हाँ, पंचांग तो कोई भी पंचांग, पंचांग का मतलब यही है। एक तो पंचांग का मतलब होता है, पंचांग का एक्चुअली सर इसका ऐप भी है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पंचांग का ऐप भी अवेलेबल है। हाँ, तो उसमें उससे ऐप ले लो। तो पंचांग मीन्स पांच अंग, फाइव एलिमेंट्स, और ये पांच जो एलिमेंट होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनकी पोजीशन दी होती है, और साथ में हर प्लैनेट की कौन सा प्लैनेट जो है किस किस राशि में कितने डिग्री पर है और कब चेंज होगा, कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है, कोई कंबस तो नहीं है, वो सारी पोजीशन आपको पंचांग से मिल जाती है एक्चुअली में। तो इतना अच्छा इस्तेमाल इसका कि हमने स्ट्रेंथ निकाल ली हर प्लैनेट की, हर हाउस की स्ट्रेंथ निकाल ली, और साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है गोचर, जिसके लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि गोचर के रिजल्ट कैसे होंगे, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें गोचर के रिजल्ट्स मालूम हो जाते हैं। तो इन दो चीजों के लिए कम से कम हम हर व्यक्ति जो है अष्टकवर्ग का चार्ट का इस्तेमाल करता ही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट एंड हाउसेस एंड ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट, ये दो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं जब हम अष्टकवर्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लाइफ के इवेंट्स भी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा इवेंट, क्या उसका मैग्नीट्यूड, क्या इम्पोर्टेंस, क्या क्वालिटी, टाइमिंग ऑफ इवेंट भी ट्रांजिट के हिसाब से हम कर सकते हैं, और ट्रांजिट के रिजल्ट हमने देखा है कि हम करते ही हैं। और दूसरा ये कि और भी जो ज्यादा इस्तेमाल है इसका लॉन्गेविटी में, आपने देखा भी होगा जितने भी पुराने हॉरोस्कोप हैं मैनुअली जो बने होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आपकी आयु जो है 80 साल 6 महीने या 85 साल 4 महीने या 70 साल इतने महीने लिखी होती है। तो आप सोचते भी होंगे कैसे लिख दिया इसने कि एग्जैक्टली इतने साल और इतने महीने लिख देते हैं वो जो है। तो वो एक हमारे इसमें फॉर्मूले हैं कि हम लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं अष्टकवर्ग सिस्टम में, और वो देखते भी हैं कि जो वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में लॉन्गेविटी कैलकुलेट करने के, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन होता है, लेकिन इसमें खास तौर से जब हम कहते हैं कि अष्टकवर्ग सिस्टम से हम लॉन्गेविटी कैलकुलेट करते हैं, तो कहते हैं काफी हद तक वो सही भी होती है, जैसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है या देखा गया है कि काफी हद तक वो सही होती है। इसके अलावा जो हम मुहूर्त के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी आप देखेंगे भी कि हम जब ट्रांजिट के हिसाब से कि हमें कौन सा काम किस टाइम करना चाहिए, किस टाइप का, क्योंकि हर प्लैनेट एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो काम हमें कब करना चाहिए, तो उस प्लैनेट के ट्रांजिट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए मुहूर्त के लिए भी जो है हम उसका चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अष्टकवर्ग का चार्ट का। और इसमें पूछ रहा था जैसे लॉन्गेविटी के लिए हमें शौर्य पिंड से देखना है ना किसी का भी, लॉन्गेविटी के लिए किसी जातक से देखते हैं, अगर वो बीमार है बिल्कुल, तो जो शौर्य पिंड होगा तो शनि का देखना है ना इसमें? नहीं नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, वेलकम टू दैट। ठीक है जी, ठीक है, ओके। कैसे हम करते हैं दैट विल, तो
हम जो इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि जो एक तो हमने बनाया भिन्नाष्टक वर्ग का, सबसे पहले जो हम जो है भिन्नाष्टक वर्ग का बनाते हैं, जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल प्लैनेट का, और हमें कुछ नहीं करना, इस टेबल की जो टेबल ये वाली है इसी की हेल्प लेकर हम भिन्नाष्टक वर्ग का बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला जो चार्ट है इसको हम भिन्नाष्टक वर्गास बोलते हैं या इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स आते हैं भिन्नाष्टक वर्ग में या इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट में, इन पॉइंट्स में हम कुछ दो रिडक्शन अप्लाई करते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि दो रिडक्शन हम अप्लाई करते हैं और वो रिडक्शन कौन से हैं तो और कैसे हम अप्लाई करते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट ये हम लोग करने जा रहे हैं, पहले भिन्नाष्टक वर्ग बनाया, भिन्नाष्टक वर्ग में हमने दो रिडक्शन अप्लाई किए और भिन्नाष्टक वर्ग के हम पॉइंट सेट कर देते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग बन जाता है या टोटल अष्टक वर्ग चार्ट बन जाता है। और एक ये प्रस्थारक वर्ग या स्प्रेड आउट चार्ट है, ये सिर्फ जो हमने चार्ट बनाए हैं उसका एक जैसे कहते हैं कि एक चार्ट है, उसमें हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है किस किस हाउसेस में पॉइंट्स दे रहा है, तो वो नथिंग बट ये सिंपल एक जो हमारे चार्ट है उसी का एक फॉर्म है। तो चार्ट हमारे पास है तो ठीक है, उससे हम जो है वो बट कभी कभी लोग उस चार्ट को भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्रस्तारक वर्ग कहते हैं या स्प्रेड आउट चार्ट्स हम बोलते हैं। और कुछ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे नरेश जी पूछ रहे हैं अभी, तो इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला जो एक टर्म हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं यहाँ पर, पहला है शॉर्ट वर्सिस्ट। शॉर्ट वर्सिस्ट तो कहते हैं कि जब हम इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट बनाते हैं और उसमें दो रिडक्शन अप्लाई करते हैं, तो रिडक्शन अप्लाई करने के बाद जो टोटल पॉइंट्स बचते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्सिस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर हम इसमें राशि पिंड और ग्रह पिंड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आप ये चार्ट देखा आपने, तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ राशि गुणकर, राशि मल्टीप्लायर, और ये है ग्रह गुणकर, प्लैनेट मल्टीप्लायर। तो ये हर राशि के मल्टीप्लायर लिखे हुए हैं, मेष 7 है, 10 है, 8 है, 4 है, 10 है, 6, इस तरह से जो है लिखे हुए, ऐसे ही हर प्लैनेट के मल्टीप्लायर लिखे हुए हैं यहाँ पर, हर प्लैनेट के मल्टीप्लायर लिखे हुए हैं। तो जब हम भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं, भिन्नाष्टक वर्ग, तो हम देखते हैं कि हर राशि में कितने पॉइंट्स हैं, हर राशि में कितने कितने पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को हम ये राशि गुणकर या ये राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने जितने राशि में पॉइंट्स हैं उनको हम इन गुणकर से या मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हर ग्रह के साथ कितने पॉइंट्स हैं, हर ग्रह के साथ भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं, तो उसको ग्रह मल्टीप्लायर से या प्लैनेट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा राशि गुणकर में हर राशि में जितने पॉइंट्स हैं उनको राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हर ग्रह के साथ जितने पॉइंट हैं उनको हम ग्रह गुणकर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जब हम राशि के साथ पॉइंट्स जितने भी होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बिंदुज एंड द राशि मल्टीप्लायर, इसको हम कहते हैं राशि पिंड। हर राशि में जैसे इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट है, हर राशि में कितने पॉइंट्स हैं उनको हमने राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और उनको जब हम ऐड कर देंगे तो उसको हम कहते हैं राशि पिंड। ऐसे ही हर प्लैनेट के साथ कितने पॉइंट्स हैं उसको हमने प्लैनेट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ऐड कर दिया तो उसको कहते हैं ग्रह पिंड, राशि पिंड और ग्रह पिंड। और जब राशि पिंड और ग्रह पिंड दोनों को हम ऐड कर देते हैं, राशि पिंड और ग्रह पिंड दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट डिपेंड, जो अभी नरेश जी पूछ रहे थे ये शॉर्ट डिपेंड है। तो शॉर्ट डिपेंड इसको हम शुद्ध पिंड भी कहते हैं, योग पिंड भी कहते हैं। तो ये हमारा नथिंग बट द सम टोटल ऑफ राशि पिंड प्लस ग्रह पिंड। तो नेचुरली हम एक प्लैनेट का नहीं, हर प्लैनेट का निकालेंगे शॉर्ट डिपेंड कितना है।
हमने क्या करा कि विनाष्टक वर्ग बनाया हर प्लैनेट का, विनाष्टक वर्ग में दोनों रिडक्शन अप्लाई किए, और रिडक्शन अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट्स बचते हैं उसमें हर राशि के साथ कितने पॉइंट्स हैं, राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो राशि पिंड आ गया। उसी में हर प्लैनेट के साथ कितने पॉइंट हैं, वो पॉइंट्स को ग्रह गुणकर या प्लैनेट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया तो ग्रह पिंड आ गया, और राशि पिंड और ग्रह पिंड दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें शौर्य पिंड कहते हैं उसको, या शुद्ध पिंड कहते हैं, या योग पिंड कहते हैं। So this is nothing but the sum total of राशि पिंड प्लस ग्रह पिंड। तो एक का नहीं निकालना, ये हमें हर प्लैनेट का शौर्य पिंड निकालना होता है, हर प्लैनेट का शौर्य पिंड निकालना होता है। और ये आप देखेंगे इसमें जो अष्टक वर्ग का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें ये सारे निकाले हुए होते हैं, हमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये सारे जो यहाँ देखिए, ये हर प्लैनेट है, सन है, सन से लेकर सैटर्न तक आप देख रहे हैं, राशि पिंड इतना है, ग्रह पिंड इतना है, इनको हमने ऐड कर दिया तो शौर्य पिंड आ गया। तो हर प्लैनेट का यहाँ पर शौर्य पिंड लिखा हुआ है, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने कहा लॉन्गेविटी कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम देखेंगे हम कैसे करते हैं, बट हर प्लैनेट का हमें जो है दोनों चीजें निकालनी है, राशि पिंड भी ग्रह पिंड भी, और इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हर प्लैनेट का हमें शौर्य पिंड निकल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिकोण और एकाधिपत्य, ये रिडक्शन है, दो जो मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ कि हम दो रिडक्शन अप्लाई करते हैं, एक रिडक्शन को हम कहते हैं त्रिकोण रिडक्शन, और दूसरे त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई करने के बाद फिर हम दूसरा रिडक्शन अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं एकाधिपत्य रिडक्शन। तो हम देखेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि रिडक्शन के बाद कितने कितने पॉइंट्स बचते हैं, और उसके बेसिस पर यहाँ पर हर प्लैनेट का राशि पिंड और ग्रह पिंड निकाला हुआ है। अब एक एक रिडक्शन हम देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं उसमें। तो पहला जो रिडक्शन है त्रिकोण रिडक्शन हम उसको बोलते हैं, त्रिकोण रिडक्शन, और त्रिकोण रिडक्शन में हम चार ट्राइंगल ग्रुप कंसिडर करते हैं, चार ट्राइंगल ग्रुप। तो एक जो राशि है 159, दूसरा 2610, तीसरा 3711, और चौथा 4812। तो एक एक ट्राइंगल ग्रुप को कंसीडर करके हम उस ग्रुप में रिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो राशि के हिसाब से त्रिकोण राशियों का चार ग्रुप बनाया हमने, 159, 2610, 3711 और 4812। अब हम एक एक ग्रुप को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमने 159 को किया, या फिर 2610 को किया, या फिर 3711 को किया, या फिर 4812 को किया। तो ये प्रिंसिपल है कैसे हम रिडक्शन अप्लाई करते हैं। पहला तो यह है कि when same number of बिंदुस not in the triangle group, मान लीजिए 159 राशि हमने कंसिडर की, उसमें तीनों में पॉइंट्स एक नहीं है, सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे कम होता है वो हम तीनों में से माइनस कर देते हैं, उनमें से जो भी सबसे कम होगा वो हम तीनों में से माइनस कर देंगे। दूसरा यह है कि मान लीजिए कि if no figure in one sign of the triangle group, जैसे हमने मान लो 4812 कंसिडर किया और इसमें से तीन राशियों में से एक राशि में जीरो पॉइंट है, एक राशि में जीरो पॉइंट है, तो हम कहते हैं फिर हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते, जो पॉइंट्स हैं वैसे के वैसे उसमें रह जाते हैं। फिर किसा क्या कि मान लीजिए कि दो राशियों में कोई पॉइंट नहीं है, दो राशियों में जीरो जीरो पॉइंट्स हैं, तो कहते हैं कि तीसरे को भी जीरो कर दो, फिर थर्ड इज ऑल्सो टू बी एलिमिनेटेड, तीसरे को भी हम जीरो कर देते हैं। और चौथा यह है कि मान लीजिए कि तीनों राशियों में पॉइंट्स बराबर है, तीनों राशियों में पॉइंट्स बराबर है, तो हम कहते हैं तीनों को हम जीरो कर देंगे, तीनों को जीरो कर देंगे। तो हमने चार ट्राइंगल ग्रुप कंसिडर किए राशियों के, उसमें अगर सम में पॉइंट्स बराबर नहीं है तो जो भी लीस्ट होता है उसको हम सम में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर एक राशि में जीरो पॉइंट है तो कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते, दो राशियों में अगर जीरो पॉइंट्स हैं तो तीसरे को भी जीरो कर देते हैं,
और चौथा ये है कि अगर तीनों राशियों में पॉइंट बराबर है तो हम तीनों को जीरो कर देते हैं। तो इसके बेसिस पर हम ये रिडक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसके बेसिस पर हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे। और ये अब देख रहे हैं कि ये हमने राशि है लेफ्ट हैंड साइड में 10, 11, 12 और राइट साइड में उसमें पॉइंट्स हैं इंडिविजुअल अष्टक वर्ग चार्ट। तो हमने एक एक ट्राइंगल ग्रुप कंसिडर किया, लेट अस से 159, एक राशि ये है, एक राशि 5 ये है और 9 ये है, 159। तो इस ट्राइंगल ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे, पहले पहली राशि, पांचवी राशि और नवी राशि। इसमें कितने कितने पॉइंट्स हैं, 5, 5, 4, 5, 5 एंड 4, 5 पॉइंट्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। तो तीनों में पॉइंट्स बराबर नहीं है, तीनों में पॉइंट्स बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट होगा सबसे कम होगा वो तीनों में से माइनस कर देंगे। तो सबसे कम क्या है यहाँ पर, 4, सबसे कम 4 है। तो 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 4 में से 4 किया 0 हो गया, 5 में से 4 किया 1 हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स बचे 1, 0, 1 बच गए इस ट्राइंगल ग्रुप में, जो माइनस करने के बाद या रिडक्शन अप्लाई करने के बाद 101 पॉइंट यहाँ बच गए। फिर हमने 2, 6, 10 को अप्लाई किया, ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है, इसमें क्या पोजीशन है, 2, 6, 10, एक में 0 है, एक में 0 है, एक में 0 मींस कि नो रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड। तो इसमें 0 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, इसमें 4 रहेगा, 0 है, 3 है, 4 है, तो कोई रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया, कोई रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया। ऐसे ही 3, 7, 11 को देखें आप, 3 ये है, 7 ये है, 11 ये, इस तरह से त्रिकोण बनाए, इसमें क्या पोजीशन है, 5 है, 5 है और 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 माइनस किया 2 बचे, 5 में से 3 माइनस किया 2 बचे, 3 में से 3 माइनस किया 0 बचा। तो इस तरह से हमने एक एक ट्राइंगल ग्रुप को कंसीडर करके ये रिडक्शन अप्लाई कर, तो इसको हम कहते हैं त्रिकोण रिडक्शन। जो पहला रिडक्शन हम अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं त्रिकोण रिडक्शन। अब त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई करने के बाद इसी में हम इनमें, अब नाउ ये बचा हमारा एक त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई करने के बाद, इसमें हम दूसरा रिडक्शन अप्लाई करते हैं जिसको कि हम एकाधिपत्य रिडक्शन बोलते हैं, एकाधिपत्य रिडक्शन। एकाधिपत्य मीन्स कि वन प्लैनेट इज द लॉर्ड ऑफ टू साइंस एक्सेप्ट सन एंड मून। तो हम उन्हीं राशियों में ये रिडक्शन अप्लाई करते हैं जिसमें दो, एक प्लैनेट जो है दो राशियों का लॉर्ड होता है, और क्योंकि सन और मून एक ही राशि के लॉर्ड हैं, तो इसलिए 4 और 5 नंबर राशि में कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होता, 4 और 5 नंबर राशि में कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होता है। और बाकी राशियों में हम एक एक प्लैनेट को कंसिडर करेंगे, जैसे मान लीजिए मार्स है, मार्स की राशियां 1 और 8 है, उसको हम लेंगे इकट्ठा, मरकरी की राशि 3 और 6 है, उनको लेंगे इकट्ठा, विनस 2 और 7 है उनको, इस तरह से हम ट्राइंगल ग्रुप ना लेकर उस प्लैनेट की दोनों राशियों को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, और उन दोनों दोनों राशियों पर हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे। बट क्योंकि 4 और 5 नंबर एक ही राशियों के एक ही लॉर्ड है, इसलिए इनके ऊपर कोई हम रिडक्शन अप्लाई नहीं करते। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल है कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हमने एक प्लैनेट की दो राशियां कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, एक प्लैनेट की दो राशियां, और उनको लेकर हम चल रहे हैं। जैसे मंगल की हमने 1 और 8 कंसिडर किया, उन दोनों में हमें देखना है क्या पोजीशन है, या मरकरी है 3 और 6 है, उसकी पोजीशन हमें देखनी है। तो उसके लिए रूल्स हैं, पहला है कि हम किस केसेस में कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, नो रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड इन दिस फॉलोइंग टू केसेस। कौन कौन से हैं, इफ द प्लैनेट इन द बोथ द साइन ओन्ड बाय द प्लैनेट, जो भी दो प्लैनेट की राशियां हैं, अगर उन दोनों राशियों में कोई ना कोई प्लैनेट अगर प्लेस्ड है, तब हम उन दो राशियों में कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मंगल को हमने कंसिडर किया, मंगल की 1 नंबर राशि और
आठ नंबर राशि है और बाई चांस अगर दोनों राशियों में कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट है तो हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरा नहीं करेंगे इफ देयर इज नो फिगर इन द वन साइन वेदर ऑक्यूपाइड और नॉट, कि अगर दोनों राशियों में से एक राशि में जीरो पॉइंट है तभी भी हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने प्लैनेट की दो राशियां कंसिडर की और उन दो राशियों में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है दोनों राशियों में तभी भी कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करना, और अगर एक राशि में जीरो पॉइंट है तभी भी हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक राशि में प्लैनेट है और एक राशि में नहीं है, एक राशि में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है और एक राशि में नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट, एक में प्लैनेट है एक में नहीं है, तो उसके रूल है कि इफ द फिगर इन द फॉर्मर इज ग्रेटर, मतलब जिस राशि में प्लैनेट है उसमें अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं, उसमें अगर ज्यादा हैं तो एलिमिनेट लेटर, तो जिस राशि में कोई प्लैनेट नहीं है उसमें जीरो कर दीजिए, उसको हम जीरो कर देते हैं। इफ फिगर इन द फॉर्मर इज ग्रेटर, फॉर्मर मतलब जिस राशि में प्लैनेट है उसमें की फिगर ज्यादा है तो बीच जो सेकंड वाली फिगर को हम जीरो बना देंगे, राइट। दूसरा कहा कि इफ द फिगर इन द फॉर्मर इज लेस, जिस राशि में प्लैनेट है उसमें अगर पॉइंट्स कम है तो मेक लेटर इक्वल टू फॉर्मर, तो जिस राशि में प्लैनेट नहीं है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम बराबर, दोनों को बराबर कर देंगे। और अगर दोनों में फिगर इक्वल है, दोनों में फिगर इक्वल है तो भी हम कहते हैं कि जिस राशि में प्लैनेट नहीं है उसकी फिगर को हम जीरो कर देंगे, उसकी फिगर को भी हम जीरो कर देंगे। तो ये रूल अप्लाई होगा जब एक साइन में प्लैनेट है और एक साइन में प्लैनेट नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि इफ बोथ द साइंस आर नॉट ऑक्यूपाइड, दोनों ही राशियों में कोई प्लैनेट नहीं है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि दोनों राशियों में प्लैनेट है, दूसरी सिचुएशन में एक राशि में प्लैनेट है एक राशि में नहीं है, और तीसरी सिचुएशन में दोनों ही राशियों में कोई प्लैनेट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो उसमें ये कहा कि अगर दोनों में फिगर बराबर है तो दोनों को जीरो कर देते हैं, अगर दोनों में फिगर बराबर है तो दोनों को जीरो कर देंगे, अगर बराबर नहीं है तो मेक लार्जर इक्वल टू स्मॉलर, जो बड़ी फिगर है उसको छोटे के बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट्स को लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में राशि लिखी हुई है जैसे पहले लिखी हुई थी, और राइट साइड में जो पॉइंट्स आए हैं आफ्टर त्रिकोण रिडक्शन वो पॉइंट्स लिखे हैं, 0, 2, 1, 1 ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये प्लैनेट का प्लेसमेंट है, इस हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर प्लेस्ड है। तो पहली चीज तो ये चार और पांच नंबर राशि में कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा, ये सन और मून की राशि है इसमें कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा, जो भी है 0, 0, 0, 0 रहेगा। अब हम एक एक प्लैनेट को लेकर चलते हैं, एक एक प्लैनेट को हम कंसिडर करेंगे कि क्या पोजिशन। अब यहाँ देखिए मंगल को हम शुरू करते हैं, मंगल से, मंगल इज ओन्ड बाई दिस वन राशि एंड एट राशि, ये वाली राशि और ये वाली राशि। अब इसमें प्लैनेट है इसमें नहीं है, सेकंड जो सिचुएशन थी कि एक राशि में प्लैनेट है एक राशि में नहीं है, तो वही सिचुएशन है यहाँ पर, एक राशि में प्लैनेट है एक में नहीं है। और दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि दोनों राशियों में बराबर पॉइंट्स हैं, दोनों राशियों में बराबर पॉइंट्स हैं, तो ये जो रूल था ये वाला यहाँ पर आप देखें, वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट, इसमें क्या है कि इफ फिगर इन बोथ इज इक्वल एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर, लेटर मतलब जिस राशि में प्लैनेट नहीं है उसकी फिगर को आप जीरो कर दो। अगर ये सिचुएशन क्या हुआ, वन इज ऑक्यूपाइड अदर नॉट, एक राशि में प्लैनेट है एक में नहीं है, और दूसरा दोनों की फिगर बराबर है, तो उसमें ये कहा कि एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर, एलिमिनेट द फिगर इन विच देयर इज नो प्लैनेट, इन विच देयर इज नो प्लैनेट। तो वही किया यहाँ पर कि यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर एक नंबर राशि में, तो इसकी फिगर को हम जीरो कर दें, इसकी फिगर को हमने जीरो कर दिया यहाँ पर, राइट, इसकी फिगर जीरो हो गई और ये वैसी ही रही,
तो ये मंगल की दो राशियों के ऊपर रिडक्शन अप्लाई हो गया। अब मान लीजिए मरकरी के ऊपर करना है, मरकरी की राशि 3 और 6 है, 3 और 6 ये वाली राशि और ये वाली राशि, इसमें क्या पोजीशन है, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? तो ये दिस 9th फिर ओवरटेक 6 मतलब 4 वो दोनों राशियों में प्लैनेट हैं। हाँ, दोनों में प्लैनेट, दोनों राशियों में, और ये रूल सबसे पहला वही था कि प्लैनेट इन द बोथ साइन देन नो रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड। अगर दोनों राशियों में अगर प्लैनेट हैं तो कोई हम रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ बन रही है कि जो बुध की दो राशियां हैं 3 नंबर और 6 नंबर दोनों में ही प्लैनेट का प्लेसमेंट है, दोनों में ही, तो इसलिए हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। या 2 पॉइंट है 2 रहेंगे, या 4 पॉइंट है या 4 रहेंगे, तो कोई रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया, कोई रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया। अब और भी लें, मान लो जुपिटर लेते हैं, 9 और 12 राशि है जुपिटर की, तो 9 ये है और 12 ये है, 9 ये है और 12 ये है, यहाँ क्या सिचुएशन है? कोई भी प्लैनेट नहीं है, दोनों में कोई प्लैनेट नहीं है, दोनों में पॉइंट्स बराबर हैं, दोनों में पॉइंट्स भी बराबर है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये थर्ड वाला लग जाएगा। बोथ द साइंस आर नॉट ऑक्यूपाइड, बोथ द साइंस आर नॉट ऑक्यूपाइड, फिगर इन द बोथ इज इक्वल, एलिमिनेट बोथ। अगर दोनों में फिगर बराबर है तो दोनों को जीरो कर दो। तो वही चीज सिचुएशन यहाँ पर है कि दोनों में फिगर बराबर है, दोनों में कोई प्लैनेट नहीं है, तो दोनों की फिगर को आप जीरो कर दीजिए, दोनों की फिगर को जीरो कर दीजिए। तो इस तरह से हम जो पहले हम त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई करते हैं, जिसमें राशियों का एक एक ट्रायंगल ग्रुप कंसिडर करते हैं, और उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई करने के बाद, उसमें हम फिर एकाधिपत्य रिडक्शन अप्लाई करते हैं, और उसमें हम हर प्लैनेट की दो दो राशियों को कंसिडर करते हैं, और इसमें जो 4 और 5 राशि है उसके ऊपर कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होता। तो ये हमारे पॉइंट्स बचे जो दोनों रिडक्शन अप्लाई होने के बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे कि राशि गुणकर है, जैसे ये 10 नंबर राशि में 0 पॉइंट है तो 0 हो गया, 11 नंबर राशि में 2 पॉइंट्स हैं तो 11 नंबर राशि का जो गुणकर है वो आपने देखा कि 11 नंबर राशि का जो गुणकर है और कुंभ राशि का 11 नंबर, 11 × 22 हो गया। तो ऐसे ऐसे हर राशि में हम देखते रहेंगे कितने पॉइंट्स हैं और राशि गुणकर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा राशि पिंड आ जाएगा। ऐसे ही जहां जहां प्लैनेट प्लेस्ड हैं उन प्लैनेट में कितने पॉइंट्स हैं, और उनको अगर हम ये प्लैनेट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रह पिंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम राशि पिंड और ग्रह पिंड इसके बेसिस पर निकालेंगे जब हम दोनों रिडक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक। बट जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट ओनली यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या बेसिस होता है, उसके लिए बताया जाएगा आपको। ये मैंने कहा था कि प्रस्तारक वर्ग है, तो उसमें हर प्लैनेट का जो, जैसे प्रस्तारक वर्ग ऑफ सन है मान लीजिए, तो हमने देखा कि सैटर्न जो है वो इन इन पोजीशंस पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है। तो हमने देख लिया कि सैटर्न जो है इस, ये ऊपर राशियां लिखी हुई हैं कि इन इन पोजीशन में पॉजिटिव, जीरो से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही असेंडेंट का, मरकरी का, तो हमें ये पता लग गया आपसे स्ट्रेट अवे देख कर कि कौन से प्लैनेट ने कंट्रीब्यूट किया है पॉइंट्स जो है। प्रस्ताव वर्ग का फायदा ये होता है, वो थोड़ा सा हमें अब देखेंगे ट्रांजिट में हमारी हेल्प करता है, तो ये पता लग जाता है कि क्योंकि जो चार्ट में तो टोटल पॉइंट्स आएंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस प्लैनेट ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है वहां पर, बट यहाँ पर हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन कौन से प्लैनेट ने उस विन्यास्टिक वर्ग में पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये थोड़ा सा इसका चार्ट का फायदा है, और ये टोटल पॉइंट्स आ जाते हैं हर हाउस में इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं प्रस्तारक वर्ग।
अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट को भी और दूसरा सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट को भी कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि सन का हम भिन्नाष्टक वर्ग का कंसिडर कर रहे हैं, सन का, तो कहते हैं कि व्हेन सन ट्रांजिट भावा विद मोर बिंदुस, जब भी सन का गोचर होगा ऐसी राशि में जिसमें कि ज्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चार एवरेज होते हैं, चार से जितने भी ज्यादा, पांच छह सात आठ, तो कहते हैं वो सोलर मंथ जो है आपके लिए मुहूर्त के लिए ऑस्पिशियस होता है, मैरिज के लिए, नए काम करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट जर्नी करने के लिए या कोई भी चैरिटेबल डीड्स करने के लिए। तो पूछते हैं कि मैरिज कब करें तो, या कोई हम नया काम कब शुरू करें, तो नेचुरली आप देखिए कि सन के भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस राशि में है, और जब सन उस राशि में गोचर करेगा तो दैट विल बी द बेस्ट मंथ फॉर दैट पर्पस। तो ये हम सन के भिन्नाष्टक वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। फिर लोग पूछते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वास्तुशास्त्र में तो डायरेक्शन फिक्स्ड है, बट हम देखते हैं कि वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दो लोग रहते हैं, उनके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो ये अष्टक वर्ग का कहता है नहीं, डायरेक्शन इज इंडिविजुअल, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें यही कहा कि हम जानते हैं कि जो हमारे भाव हैं, जैसे एक 159 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2610 साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3711 हाउसेज वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और 4812 हाउसेज जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, हर डायरेक्शन के पॉइंट। जैसे हमने ईस्ट है तो हमने कहा 159, तो फर्स्ट हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, फिफ्थ हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, नाइन्थ हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन के पॉइंट पता लग गए। ऐसे 2610 साउथ डायरेक्शन के पॉइंट पता लग गए। तो कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु होते हैं सन के भिन्नाष्टक वर्ग में, जिस डायरेक्शन में सन के भिन्नाष्टक वर्ग में मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, वो डायरेक्शन जो है हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है। किसी को भी देखना है कि मुझे पूजा का स्थान या प्रेयर रूम किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कर या इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट के ऊपर। फिर और भी हम इसका इस्तेमाल किया कि हमने क्या किया कि जिस हाउस में सन है, सन के भिन्नाष्टक वर्ग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जिस हाउस में भी सन का प्लेसमेंट है वहां और उससे कंजुकेटिव थ्री हाउसेस, जैसे मान लो सन अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो 5678 चार हाउसेस के पॉइंट्स हमने ऐड किए, फिर नेक्स्ट चार हाउस के किए, और फिर नेक्स्ट चार हाउस के पॉइंट्स किए। जहां भी सन का प्लेसमेंट है वहां से शुरू किया, वहां से शुरू करके चार हाउसेस के पॉइंट ऐड किए, उसके बाद नेक्स्ट चार हाउसेस के पॉइंट किए, और उसके बाद नेक्स्ट फोर हाउसेस के पॉइंट्स ऐड किए। तो हमें दिन के, हम एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे दिन के, अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें दिन को अगर हम 6 बजे से 6 बजे तक है तो उसको अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6 एक्चुअली में, तो जिस पोर्शन में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, ये हमारा फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ डे रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड 1/3 पार्ट ऑफ डे रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ द डे रिप्रेजेंट करता है। तो जिस पार्ट में सबसे ज्यादा बिंदु है तो कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ द डे आपको कोई भी काम करने के लिए शुभ होता है, और जिस पार्ट में सबसे कम बिंदु होते हैं उसको हमें कोई भी, उस पीरियड में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो है वो नहीं करना चाहिए जिस पार्ट में सन के अष्टक वर्ग में सबसे कम पॉइंट्स। तो वो भी हम देख सकते हैं कि दिन का कौन सा पोर्शन हमारे लिए अच्छा है, सुबह हमारे लिए अच्छी होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, वो हम सन के अष्टक वर्ग से निकाल सकते हैं।
तो इसमें और भी हम कई चीजों में इसको सन के अष्टकवर्ग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें कहा कि मल्टीप्लाई फिगर बिफोर रिडक्शन इन द नाइन्थ फ्रॉम द सन इन द सन अष्टकवर्ग। सन अष्टकवर्ग में रिडक्शन से पहले जो है सन से नाइन्थ हाउस में जो भी फिगर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन, सन के शॉर्ट डिपेंड से, और उसको कहते हैं कि 27 से डिवाइड कर दीजिए, उसको 27 से डिवाइड कर दीजिए। क्या किया हमने कि सन का अष्टकवर्ग का कंसिडर किया और उसमें जो रिडक्शन से पहले फिगर देखी और सन से जो नाइन्थ हाउस में फिगर है उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको 27 से डिवाइड कर दिया, 27 से डिवाइड कर दिया। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मतलब एक बचा तो अश्विनी है, दो बचा तो भरणी है, तीन बचा तो कृतिका है, तो जो भी नक्षत्र बचता है काउंट रिमाइंडर फ्रॉम अश्विनी और द नक्षत्र ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न या सैटर्न जिस नक्षत्र में है वहां से भी और जो ये अश्विनी नक्षत्र है वहां से। तो कहते हैं कि व्हेन सैटर्न पासेस थ्रू दिस नक्षत्र, सैटर्न जब इस नक्षत्र से पास करेगा तो डेथ ऑफ द फादर में टेक प्लेस, तो फादर की डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। और कहते हैं कि व्हेन सैटर्न ट्रांजिट स्टार्स ट्रायंगुलर टू दिस सम नियर पैटर्नल रिलेशन में डाई। तो ये भी हम थोड़ा सा इसका भी यूज कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली फादर की डेथ का या किसी भी पैटर्नल रिलेशन की डेथ का। ऐसे ही अपने बारे में कि कहते हैं कि मल्टीप्लाई फिगर इन द एर्थ फ्रॉम सन इन इस अष्टकवर्ग बाय द शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन, कि सन में जहां भी है उससे एर्थ हाउस में कितने बिंदु हैं उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई किया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो रिमाइंडर काउंटेड फ्रॉम एरीज will be the rashi in which the Saturn transit may prove fatal to the native's life. कि अगर सन से एर्थ हाउस में कितने पॉइंट्स हैं उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड कर दिया, तो नेचुरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियां आएंगी। तो कहते हैं कि जब Saturn उस राशि में ट्रांजिट करता है तो वो नेटिव के लिए फेटल होता है, नेटिव की बेसिकली जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सन के अष्टकवर्ग का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफी चीजों में मुहूर्त में डायरेक्शन में या कुछ अपने लिए या फादर के लिए या पैटर्नल रिलेशन के लिए भी कुछ चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मून के अष्टकवर्ग की बात करें तो मैंने कहा कि जब चार तो नॉर्मल है ये, बट जब मून ट्रांजिट करता है ऐसी राशि में जिसमें 6, 7, 8 पॉइंट्स होते हैं तो नेचुरली वो टाइम या वो दिन हमारे लिए शुभ होता है। कोई भी हमें इम्पोर्टेंट काम करना है, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, उस समय हमारी मेंटल स्टेट काफी अच्छी होती है, तो डिसीजन जो आप करेंगे वो अच्छे होंगे उस टाइम जो है। फिर कहते हैं कि इंटरव्यू इन द अर्ली मॉर्निंग विद द पर्सन बॉर्न इन द राशि विच इन द नेटिव हॉरोस्कोप इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम बिंदुस। मान लीजिए कोई एक राशि है जिसमें मैक्सिमम बिंदुस हैं मून के अष्टकवर्ग में और आप किसी से मिलने जा रहे हैं और वो ही राशि जो है उस व्यक्ति की भी है, कोई इंपॉर्टेंट काम है या कुछ करने जा रहे हैं और बाई चांस राशि ऑफ दैट पर्सन हैपेंस टू बी द सेम राशि जिसमें कि आपके मैक्सिमम अष्टकवर्ग पॉइंट है मून के अष्टकवर्ग में जो है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से अगर आप सुबह मिलेंगे तो आपके काम जो है वो हो जाएंगे, आपको सक्सेस होगा मीटिंग उससे जो है। फिर कहा कि ब्राइड ग्रूम जन्म राशि, जैसे कि एक राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट है और आपका जो स्पाउस है वो ही उसकी जन्म राशि है, जैसे मान लीजिए किसी का 11 नंबर राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और जो उसका स्पाउस है उसकी जन्म राशि 11 नंबर है, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती है। तो जो भी जिस राशि में आपके मैक्सिमम
बिंदुस हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, वही राशि अगर आपके स्पाउस की है तो आपके लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है। मंगल को देखें, ये लोग पूछते रहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूं, कौन सा महीना मेरे लिए शुभ होगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो सिंपल फंडा है उसका कि मंगल जब जिस राशि में ट्रांजिट करता है जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, उस राशि उस टाइम जब मंगल ट्रांजिट कर रहा हो ऐसी राशि जिसमें कि उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो वो टाइम बेस्ट होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई भी लिटिगेशन में जाने के लिए। जिस राशि में मंगल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और मंगल जब ट्रांजिट उसी राशि में करता है, गोचर जब मंगल का उसी राशि में होता है, तो वो टाइम जो है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या लिटिगेशन में जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर किचन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अब जैसे आपने देखा कि वास्तु शास्त्र में तो कहा साउथ ईस्ट होनी चाहिए, हर एक तो वास्तु में तो कहा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए किचन की, लेकिन यहाँ नहीं कहते, यहाँ कहते हैं कि जैसे हमने सन के अष्टक वर्गा में हर डायरेक्शन के पॉइंट्स निकाले थे, ऐसे ही मार्स के अष्टक वर्गा में आप हर डायरेक्शन के पॉइंट निकालिए और जिस डायरेक्शन के पॉइंट सबसे ज्यादा है वो डायरेक्शन हमारे लिए किचन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। तो किचन जो है बेसिकली उस डायरेक्शन में बननी चाहिए। तो इसके हिसाब से भी हम डायरेक्शन चूज कर सकते हैं किचन की। ऐसे ही मरकरी का अष्टक वर्ग है, तो मरकरी जब उस राशि में ट्रांजिट कर रहा हो जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो नेचुरली वो टाइम वो जब मरकरी का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए शुभ है। एजुकेशन है, लिटरेरी वर्क है, डिबेट है, या मरकरी से कनेक्टेड कोई भी हमें काम करना है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। फिर लोग पूछते हैं कि हमें पूजा किस टाइम करें जो हमारे लिए उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, पूजा हमें किस टाइम करनी चाहिए। तो उसके लिए भी कहा कि आप ये देखिए कि मरकरी जो है वो किस राशि में उसके सबसे ज्यादा पॉइंट है, मरकरी के अष्टक वर्ग में किस राशि में उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, और जब वो लगन हो, जब वो साइन राइज कर रहा हो, मतलब जब वो लग्न हो, जब वो लग्न ऑपरेट हो रहा हो, उस लग्न में अगर आप पूजा करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मरकरी के अष्टक वर्ग में आपने देखा कि जो किस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, और जब वो ही लग्न उदय हो रहा हो, जब लग्न वही है उस टाइम अगर आप पूजा करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। एक्चुअली जुपिटर, तो जिस राशि में जुपिटर के ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो उस राशि में जब जुपिटर गोचर करता है तो वो समय सबसे अच्छा है आपका स्पिरिचुअल इनिशिएशन, कोई भी आपको स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट कोई काम करना है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, या बच्चे पैदा करने के लिए भी अच्छा टाइम होता है। और फिर लोग पूछते हैं कि मैं अपना, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में कहते हैं कि पैसे या कॉस्टली आइटम नॉर्थ डायरेक्शन में रखने चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से, बट इसमें ये कहा कि जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो डायरेक्शन आपको कॉस्टली आइटम या घर में पैसा ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए सबसे अच्छी होती है। और ये भी कहा कि जैसे हम लोग कभी कुछ मंत्रों की सिद्धि करते हैं या मंत्रों का जाप, लंबा जाप वगैरह करना पड़ता है या बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ती है, तो जिस डायरेक्शन राशि में जुपिटर के अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो, जब उस राशि का लग्न चल रहा हो, जब वो राशि का लग्न उदय हो, तो
वो भी जो है उस टाइम भी अगर आप ऐसी कोई बड़ी पूजा करेंगे वो भी आपके लिए सबसे ज्यादा रिजल्ट्स होगा। या इवन जैसे कभी कभी बच्चे पैदा होने में देरी होती है तो कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अगर ऐसे टाइम करें ऐसे लग्न में जबकि जहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो भी एक उसमें सक्सेस होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट अष्टक वर्ग हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम लोग कल इसको कंप्लीट भी करेंगे। बट इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन आपका हो इससे कनेक्टेड या किसी और से कनेक्टेड तो सर एक चीज पूछनी थी आपसे जी कि मेरे पास अभी एक हॉरोस्कोप आया, किसी ने पूछा कि मेरा बर्थ टाइम 5:30 और 6 बजे के बीच का है तो वहां पे 5:52 पर कुंभ लगन बनता है उसके बाद मीन लगन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो कि दो लगन बन रहे हो तो हम कौन से लगन को डिसाइड करें? देखिए बर्थ रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो ज्यादा लोग यूज करते हैं एक उसको तत्व थ्योरी कहते हैं, एलिमेंट थ्योरी। और 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तो कहते हैं कि एक एलिमेंट रूल करता है, जब एक एलिमेंट रूल करता है तो एक ही टाइप के सेक्स के बच्चे पैदा हो सकते हैं। आप जाकर देख लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर गंजू बैठी हुई हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर, और हम लोगों का ऑब्जर्वेशन भी होता है जब हमारे फैमिली में बर्थ होता है तो हम जाके कहते हैं कि नहीं आज सबके लड़के हुए या सबके लड़कियां हुई हैं, क्योंकि उस टाइम हम देखते हैं कि किस सेक्स के बच्चे हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एक टाइम में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक जगह एक ही सेक्स के बच्चे पैदा हो सकते हैं, एक साथ एक मेल फीमेल नहीं होगा। तो ये 5 एलिमेंट हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्रम से रूल करते हैं। पृथ्वी 6 मिनट के लिए होता है, रूल करता है। जल 12 मिनट के लिए रूल करता है। अग्नि 18 मिनट के लिए रूल करता है। वायु 24 मिनट के लिए रूल करता है। और आकाश जो है वो 30 मिनट के लिए रूल करता है। तो ये 90 मिनट्स का एक साइकिल होता है, 90 मिनट्स का, और 90 मिनट्स के बाद जो है ये फिर रिपीटेशन होता रहता है। और 16 टाइम्स रिपीटेशन होगा, एक दिन में 24 घंटे का दिन होता है, एक साइकिल 90 मिनट्स का होता है। और इसका हम और भी तरह से यूज कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, या बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप देखेंगे 90 मिनट्स तक तो वो पूरा कंसंट्रेट कर पाता है और 90 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन लूज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम 90 मिनट्स के बाद कोई भी हम काम कर रहे हैं कुछ अगर फ्यू सेकेंड्स का भी ब्रेक दे देंगे, जस्ट मतलब खड़े भी हो जाएंगे या 2 मिनट कुछ खा पी लेंगे या इधर टीवी देख लेंगे, 1-2 मिनट की बात है, और फिर अगर आप दोबारा से उस काम में लग जाएंगे तो यू गेट फुल एफिशिएंसी। एक्चुअली कहते हैं कि 90 मिनट्स के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है अपनी एफिशिएंसी को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि एक एलिमेंट जब रूल करता है तो स्टार्टिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि मंडे है मान लीजिए, तो मंडे हम जो डे स्टार्ट होता है हमारा सनराइज से शुरू होता है, सनराइज से। तो मंडे को जो मून है, मून जल तत्व है, तो पहला एलिमेंट जो रूल करेगा जल करेगा, जल मतलब 12 मिनट के लिए, फिर अग्नि 24, फिर वायु, फिर आकाश, फिर पृथ्वी। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। मान लीजिए मंगल है, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को पहला एलिमेंट क्या होगा? अग्नि। अग्नि बिल्कुल, अग्नि होगा, फिर वायु होगा, फिर आकाश होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर जल होगा, ये साइकिल रहेगा। वेडनेसडे को पहला एलिमेंट क्या होगा? पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। थर्सडे को पहला एलिमेंट क्या होगा? आकाश, पहला एलिमेंट आकाश होगा, फिर ये क्रम चलता रहेगा। और फ्राइडे को जल, फ्राइडे को जल, और सैटरडे को वायु, और संडे को अग्नि। तो इस क्रम से रूल करते हैं।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रूल कर रहा है। और कहते हैं कि हर एलिमेंट के सेक्स, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी ये मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, और मरकरी जैसे न्यूट्रल प्लैनेट है। बट हमने जब सप्तांश चार्ट भी डिस्कस किया था तो उसमें कहा था कि मरकरी को फॉर द पर्पज ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड वी कंसीडर इट एज अ मेल प्लैनेट, और ऐसे ही सैटर्न भी न्यूट्रल प्लैनेट है बट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड वी कंसीडर इट एज अ फीमेल प्लैनेट। तो मरकरी जब रूल कर रहा है तो मेल प्लैनेट होगा, मरकरी अगर किसी रूल कर रहा है तो मेल प्लैनेट होगा, जल अगर रूल कर रहा है तो फीमेल प्लैनेट होगा, जल अगर रूल कर रहा है किसी भी टाइम में तो फीमेल प्लैनेट होगा, अग्नि रूल कर रहा है तो मेल प्लैनेट होगा, वायु सैटर्न का है तो फीमेल प्लैनेट होगा, आकाश जुपिटर का है तो मेल प्लैनेट होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी टाइम जब बच्चे का जन्म हुआ है कि वो कौन सा एलिमेंट रूल कर रहा है और उसके हिसाब से उसका सेक्स क्या होना चाहिए। जैसे नरेश जी ने कहा कि 5 बामन का है, तो हम देख सकते हैं कि 5 बामन पे कौन सा एलिमेंट रूल कर रहा था, वहां कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर चेंज हो रहा है तो उसके सेक्स के हिसाब से हम इधर उधर करके बता सकते हैं कि लग्न कौन सा होना चाहिए उसका जो है। तो इस मेथड का काफी इस्तेमाल किया जाता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम। एक्चुअली जैसे डिविजनल चार्ट में आपने बताया कि एर्थ हाउस में जो प्लेनेट होता है उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल, तो जो उसकी दशा आएगी या अंतर दशा आएगी? ये मैंने कहा था कि जब दशा अंतर दशा ऑपरेट होती है, हाँ वो ठीक है, दोनों में से एक का रिजल्ट मिलेगा सर। तो अगर उस प्लेनेट के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं इसका मतलब उसकी दशा ऑपरेट हो रही है। अच्छा, हाँ, तो अगर मान लीजिए कि सब पीरियड है उसका और सब पीरियड प्लैनेट स्ट्रॉन्गर है तो वो ही ऑपरेट होगा, तो अच्छा, हाँ, तो फिर तो उसी प्लैनेट के रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब पूरी महादशा से मतलब नहीं है उसका? नहीं नहीं नहीं, महादशा और अंतर दशा में जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होता है उसके रिजल्ट आपको एट ए टाइम मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक बात ये है सर कि दशा और अंतर दशा से तो हमें ये पता लग गया कि किसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन प्रत्यंतर दशा से हमें ये पता लगता है कि कब मिलेंगे। कब मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन वो हमें नहीं समझ, मतलब वो कैसे पता लगेगा वो पीरियड? जैसे मान लो कि कोई आपको दशा चल रही है, जुपिटर सैटर्न की दशा चल रही है सर, आपने देखा कि जुपिटर सैटर्न की दशा जो है ये इसमें शादी हो जानी चाहिए, ये कहेंगे कि दशा मतलब हॉरोस्कोप के हिसाब से फेवरेबल है और इस दशा में मैरिज हो जानी चाहिए। अभी दशा 3 साल की होती है, अब आपको 3 साल में शादी हो जाएगी तो वो तो आदमी भाग जाएगा, फिर आएगा नहीं आपको दोबारा से जो है। तो आपको तो बताना है कि किस मंथ में या किस डेट में शादी होगी, तो फिर हम प्रत्यंतर दशा देखना शुरू करते हैं, और प्रत्यंतर दशा जनरली 1 महीने की 2 महीने की 15 दिन की या 2.5 महीने की ऐसे होती है। तो हम देखते हैं कौन सा प्लैनेट फेवरेबल आ रहा है जो शादी करा सकता है, कौन सा प्लैनेट फेवरेबल आ रहा है जो शादी करा सकता है। तो आपने उस प्लैनेट को देखा कि हाँ ये जुपिटर का पीरियड है या वीनस है या 7th हाउस का लॉर्ड है, ये फेवरेबल है इस मैरिज के लिए जो है, तो आपने कहा उसको पिन पॉइंट कर दिया कि ये 2 महीने या 2.5 महीने या 15 दिन में शादी हो जाएगी, हो जानी चाहिए मतलब जो है। फिर आपने शॉर्ट कर दिया टाइम को, 2-3 साल से आप 2.5 महीने पे आ गए। फिर आप गोचर वगैरह देखेंगे तो और उसको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं टाइम को जो है, और बेटर आइडिया मिलेगा कि कब होगी जो है। तो इस तरह से दशाओं का इस्तेमाल करेंगे और साथ में अगर आप गोचर का भी इस्तेमाल करेंगे तो काफी टाइम होता है कि हम एग्जैक्ट डेट भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस डेट को होना चाहिए। मैं आपको एक काफी जैसे अभी आपने कहा कि जुपिटर सैटर्न में मैरिज हो जाएगी, एक ऐसे ही कहा आपने, हाँ, मतलब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस पीरियड में इस दशा में कौन सा काम होगा? नहीं, वो देखिए 7th हाउस से कनेक्टेड हो, मान लो मैरिज की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, कोई ऐसा प्लैनेट हो 7th का लॉर्ड हो, 7th में बैठा हो, या कारक हो, या कारक को देख रहा हो या कारक उसे देख रहा हो,
तो नेचुरली वो पीरियड फेवरेबल होगा उसके लिए, उस इवेंट के लिए जो है। तो हम कह सकते हैं कि ये दशा चल रही है, ये कारक है या उसका लॉर्ड है सेवेंथ हाउस का, जो शादी करा सकता है, तो कह सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर दशा में शादी हो जानी चाहिए। जी जी जी। और जो अभी आपने अष्टक वर्ग का पढ़ाया है, इसका यूज एक तरह से इस तरह से भी है ना, जैसे हमने कोई योग देखा और योग बन रहा है दो प्लेनेट से, तो हमें जो रिजल्ट कितने मिलेंगे वो इससे पता लग जाएगा हमें कि कितनी परसेंटेज में रिजल्ट मिलेंगे हमें अष्टक वर्ग से। कैसे मतलब? मतलब उससे पता लग जाएगा ये दोनों प्लेनेट कितने स्ट्रोंग हैं या कितने वीक हैं या क्या हैं। हाँ, एक तो प्लेनेट का पता लग गया कितने वीक है स्ट्रोंग है, और दूसरा उसके ट्रांजिट के रिजल्ट को भी बड़ी आसानी से आपको पता लग जाता है कि ये प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है तो किस टाइप के रिजल्ट देगा। मान लो कोई प्लेनेट सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वहां ज्यादा पॉइंट्स है मान लीजिए, तो नेचुरली वो उस हाउस के लिए फेवरेबल ट्रांजिट हुआ और उसी की दशा चल रही है, तो अच्छा। आप कह सकते हो कि नहीं ये गोचर आ रहा है, ये ठीक होगा इसके लिए, ये इसमें काम हो जाना चाहिए या ये लाइफ के एस्पेक्ट में ये काम हो जाना चाहिए। यस तो उस तरह से हम देख सकते हैं। राइट सर, एक मुझे पूछना था सर, एक्चुअली शोध पिंड के बारे में। हाँ बोलो सर। जैसे मैंने इसका ऑलरेडी एक दो बार कैलकुलेशन किया था शोध पिंड का, एक्चुअली जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, काफी चीजें हैं जो लॉन्जिविटी को दर्शाती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो लेकिन मैंने तीन चार एग्जांपल थोड़े से रिसर्च किए थे, मतलब उसमें कोई बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा कोई इसमें मिला नहीं सर रिजल्ट इसमें शोध पिंड के अंदर सर, तो इज इट राइट के सर ऐसा होता रहता है? नहीं देखिए, पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी गलत भी हो, बट जैसा लोगों ने काफी रिसर्च किया इसके बारे में, तो कहते हैं कि जो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं वो इसी मेथड से मिलते हैं। वैसे तो लॉन्गेविटी असेस नहीं करनी चाहिए किसी की भी जो है, लेकिन जो भी लोगों ने किया है तो कहते हैं कि इससे बेटर रिजल्ट नहीं होते। मैं अगर आपको दिखाऊंगा अभी सॉफ्टवेयर में कम से कम 50 मेथड है जिससे हम लॉन्गेविटी निकाल सकते हैं। यस सर, यस सर, वो तो और लॉन्गेविटी वो आपको 6 महीने से लेकर 100 साल तक मिलेगी अलग अलग मेथड से जो है, तो हम रिलाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड ठीक है कौन सा मेथड ठीक नहीं है। सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे हम रिसर्च करते हैं उन लोगों पे तो रिसर्च कर सकते हैं ना जो अभी नहीं है दुनिया में, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से सर बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो करके देखिए, मेरे ख्याल में काफी अच्छा एक असेसमेंट आता है, आप करके देखिए। और जिन लोगों ने मैं रिसर्च किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, काफी काफी उन्होंने किए हैं, तो व्हाट दे टोल्ड एक्चुअली कि जो रिजल्ट हमें मिलते हैं अष्टक वर्ग से, इससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलते। सर, ये जो सॉफ्टवेयर है आपके पास लियो स्टार, ये अभी आपका प्रोफेशनल एडिशन है कि बेसिक एडिशन? नहीं, प्रोफेशनल है। इसकी अभी कॉस्ट क्या चल रही है सर, आइडिया कुछ है आप? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। आई थिंक अभी 27,000 प्रोफेशनल एडिशन, 27,000 प्रोफेशनल एडिशन। ओके, क्योंकि सर ये जो कैलकुलेशन है ना शोध पिंड वगैरह की, ये सब सॉफ्टवेयर में नहीं है? मतलब हाँ, सब नहीं, ज्यादातर में है, वो छोटे वोटे जो कुंडली उंडली है वो वैसे छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर में आपको मिलेंगे। एंड इवन यू विल गेट इन दैट वो जो है क्या नाम है, जगन्नाथ होरा, एस्ट्रो से। हाँ, जगन्नाथ होरा वगैरह मिल जाएंगे आपको। एस्ट्रो वेस्ट्रो से तो ये वो है, तो इनमें नहीं होगा, लेकिन जगन्नाथ कंप्लीट है, उसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। मुझे खरीदना है, लेकिन मेरा एक ही चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है अभी कि हमने खरीद लिया, वो एक लाइसेंस की देंगे, और मेरा लैपटॉप हर 2-3 साल पे चेंज होता रहता है, तो इज इट फ्लेक्सिबल एनफ टू चेंज माय लैपटॉप विद सेम लाइसेंस की? नहीं, बट उसमें तो आप दोनों जगह डाउनलोड कर सकते हैं ना उसको, उसमें भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर में भी जो है। अगर ये उसकी एक की होती है, एक्चुअली मैंने ये किया, 2-3 बार किया है, की है। जो सीडी मिलती है ना आपको, डीवीडी, वो उसको सीडी उसमें लगा दीजिए बस, और क्या, सीडी से आप डाउनलोड कर लीजिए किसी भी कंप्यूटर पे, और की लगानी है आपको बस, और क्या। वो मुझे चेक करना, अगर सीडी देते हैं तो ठीक है। हाँ, सीडी देखिए, मुझे सीडी अभी आजकल सीडी नहीं आती है, अभी आजकल दे गिव यू द पेन ड्राइव, वो मतलब पेन ड्राइव दे देंगे आपको, जी, जी। कोई वो लिंक दे देंगे उसमें, वो भी ठीक है, कि एज लॉन्ग एज वो नहीं बोले कि ऑनलाइन वो डाउनलोड करो
एंड वन नहीं नहीं और उसमें फिर व्हाई यू नीड एक्चुअली इवन जगन्नाथ हो रहा है माय ओपिनियन इज सफिशिएंट एक्चुअली अच्छा ओके उसमें सारी कैलकुलेशन तो है उसके अंदर अच्छा सर उसमें ये प्रेस धारक वर्ग और ये सब हां सब है उसमें नहीं सर देखते कैसे हैं वो आ तो रहा नहीं है स्क्रीन पे ऐसे किसमें नहीं आ रहा जगन्नाथ होरा में वो आएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें सारी चीजें हैं सर एक बार 10 मिनट डेमो दे दीजिए जगन्नाथ होरा पे तो मुझे पता नहीं मुझे भी इतना मैं अभी प्रस्तारक अष्टक वर्ग और ये उतना शोभ्य पिंड ये जगन्नाथ होरा में सर कौन से पेज पे मिलेंगे हां जी ये जो आपने ये जो जगन्नाथ होरा जो है ना तो उसमें अष्टक वर्ग और ये जो शोध देखना है तो आपका ये जो है वो आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी हेलो हाँ आवाज दोबारा बोलिए एक बार जगन्नाथ हाँ जी ये मैं कह रहा था कि जगन्नाथ होरा में तारक अष्टक वर्ग और ये शोध देखना है नहीं कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही आवाज सर ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे मैंने अभी पूछा आपसे प्रस्तारक वर्ग और ये सब कैसे देखेंगे उसमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसको ट्राई करिए आप तो उसमें सारी चीजें हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं है ग्रह बल भाव बल हर चीज है उसके अंदर एंड इट्स ए कम्प्लीट सॉफ्टवेयर ओनली थिंग इज कि हमें पता नहीं कैसे हम करना है उसको बट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में जाएंगे तो सब आ जाएगा उसमें तो उसका अलग वीडियो है सर यूट्यूब पर अगर किसी को सीखना है तो ऑलरेडी उसका वीडियो है यूट्यूब हाँ तो वीडियो है उसमें आप देख लीजिए कोई बहुत ऑप्शंस है उसके अंदर और हर चीज है उसके अंदर ये वैसा नहीं है कुंडली वुंडली टाइप के जो फ्री वाले उस टाइप का नहीं है कंप्लीट है पूरा ठीक है सर थैंक यू सर यूट्यूब से देखिए थैंक यू सिद्धार्थ सर चलिए ओके देन थैंक यू सो मच गुड नाइट कल मिलते हैं सर गुड नाइट गुड नाइट